हम लोग मार्च में काफी रीडिंग कैंपेन को लेकर काम करना चाह रहे थे, और छत्तीसगढ़ में जो रीडिंग वाला मामला है, बेसिक लिटरेसी वाला मामला है, उस पे काफी जोर शोर से टीचर्स के साथ हम लोगों ने काम शुरू किया था। और अचानक 12th ऑफ मार्च को हम लोगों को शाम को ये निर्देश मिला कि कल से स्कूल बंद हो जाने चाहिए। तो इस एक तरह से ये शॉकिंग न्यूज़ था हम लोगों के लिए कि हम इतना अच्छा कोशिश कर रहे हैं और सब चीजें बंद हो रही है, ना एग्जाम हुए हैं ना कुछ हुआ है, अचानक हमको बंद करना है और वो भी अनिश्चित काल के लिए। तो थोड़ा सा सेटबैक था, लेकिन फिर अचानक हम लोगों ने, हमारे जो प्रमुख सचिव महोदय हैं डॉक्टर आलोक शुक्ला जी, वो खुद टेक्नो सेवी हैं, तो हम लोगों ने उनके घर में इस पूरे ऑफिस भी बंद हो गए थे, आना जाना मना था, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, तो पास वगैरह बनाकर उनके घर में जाकर कुछ एनआईसी के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ मिलके हम लोगों ने विद इन 1 वीक एक ये cgschool.in नाम का वेबसाइट बनाया विदाउट एनी कॉस्ट। सर चूंकि ये सारी चीजें खुद जानते थे, उन्होंने इसको बनाया, और 7th ऑफ अप्रैल हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी की कर कमलों से इस वेबसाइट को लॉन्च किया। और इसको लॉन्च करने के बाद हमारे पास चुनौती थी कि कैसे वेबसाइट का उपयोग शुरू किया जाए, क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान में पहले जितने भी इंटरवेंशंस डिजिटल होते थे वो बहुत लिमिटेड संख्या में होते थे इनोवेशन के अंतर्गत, और उसका स्केलिंग नहीं होता था, बहुत सीमित चीजों में और काफी कॉस्टली अफेयर होता था। ट्रेनिंग और ये सब होने के बावजूद भी ठीक से स्केल नहीं होता था, इम्प्लीमेंट नहीं होता था। तो डिजिटल चीजें कैसे लाई जाए एक चिंता थी, लेकिन हमारे अच्छे तरीके से प्लानिंग से और नीड को देखते हुए हमने अलग अलग लेवल पे नोडल ऑफिसर्स बनाए, और विद इन शॉर्ट टाइम हम आज की स्थिति में करीब 23 लाख बच्चे इस वेबसाइट से जुड़े हुए हैं, जो कि काफी अच्छा नंबर है, और 2 लाख टीचर्स, 2 लाख से ज्यादा टीचर्स छत्तीसगढ़ के सारे लोग इस वेबसाइट से जुड़े हुए हैं। और इसमें हम लोगों ने टीचर्स को काफी मोटिवेट किया कि वो जुड़े, बच्चों को ऑनलाइन क्लास लें, लेकिन जैसे ही हमने ये काम शुरू किया तो इसमें हमको ये पता चला कि बहुत सारे लोग डिजिटल रीच से बाहर हैं और उनके लिए भी करना था। तो पहले स्टेप में पढ़ाई तुहर, ये पूरे प्रोग्राम का नाम हम लोगों ने पढ़ाई तुहर द्वार रखा था, इट्स अ छत्तीसगढ़ी नेम कि एजुकेशन एट योर डोर स्टेप। तो इसको अम्ब्रेला प्रोग्राम बनाते हुए फिर हमने पढ़ाई तुहर पारा, ये एक इसका एक इंटरवेंशन था जिसमें हैबिटेशन लेवल पे टीचर्स जाके पढ़ाने का काम शुरू किए, और अलग अलग जो जहां पर डिवाइसेस नहीं थे, डिजिटल रीच नहीं था, वहां पर हम लोगों ने अलग अलग इंटरवेंशन किया। तो बेसिकली इसमें हम लोगों ने जो साथ में लेने का काम किया, हमारे एनआईसी के साथ हमने टेक्निकल सपोर्ट लिया, टीचर्स को मोटिवेट करके एनरोलमेंट ड्राइव चलाया ताकि लोग इसमें जुड़ जाएं, और उनको बिना किसी ऑर्डर के, चूंकि कोविड का स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन था, स्कूल बंद थे, तो पढ़ाई के लिए हम ऑफिशियल निर्देश नहीं दे सकते थे, मोटिवेट किया टीचर्स को कि हमारे बच्चों को कंटिन्यू करना चाहिए एजुकेशन, और काफी बड़ी संख्या में टीचर्स ने खुद नए नए इंटरवेंशन जारी किए, मतलब अपने अपने लेवल पे किए। उनको हम लोगों ने वेबिनार के माध्यम से उनकी चीजों को सुना, और चर्चा पत्र में हमने करीब 10 इंटरवेंशन जो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में चल रहे थे उनको हम लोगों ने उसका स्टैंडर्ड मोडस ऑपरेंडी जारी किया, और उसके बाद उसमें से एक वेबिनार करके टीचर्स का ओपिनियन लेके हमने 3 मेन प्रोग्राम्स को लागू किया। तो इस तरह से इसमें काफी लोगों को जोड़कर, टीचिंग कम्युनिटी को जोड़कर हम लोगों ने काम शुरू किया। हमारे यहाँ प्रदेश में बहुत पहले से प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटीज हम लोगों ने 5-6 साल से कर रहे थे, और अरबिंदो सोसाइटी के साथ हम जीरो इनोवेशन वाला प्रोग्राम भी पूरे स्टेट में चला रहे थे। ये दोनों प्रोग्राम काफी अच्छे चल रहे थे और एक दूसरे के पूरक थे, सपोर्टिव थे, और एजुकेशन में एक इस प्रकार का कल्चर था कि कुछ नया करना चाहिए हम लोगों को और बिना कॉस्ट के करना चाहिए। ये बहुत अच्छा कल्चर हम लोगों ने पिछले कुछ सालों में बिल्ड किया था, तो उसके कारण हमको उतनी परेशानी नहीं गई। तो जैसे हम लोगों ने जब वेबसाइट बनाया तो सबसे पहला समस्या या है कि इसमें कंटेंट कैसे डालें, खरीदना मुश्किल था, बजट नहीं था, तो हम लोगों ने क्राउड सोर्सिंग किया।
टीचर्स को ये कहा कि आप लोग इतने सालों से अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं, यदि आप उसको हमारे इसमें अपलोड करें, तो हजारों की संख्या में टीचर्स ने क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, लर्निंग आउटकम वाइज चीजों को अपलोड किया क्राउड सोर्सिंग के माध्यम से। उसमें उनको रिकॉग्निशन मिला कि उनके मटेरियल उसमें अपलोड हो रहे हैं, और हम लोगों ने एक टीम बनाई टीचर्स की ही, वो उनको वैलिडेट करते थे कि वेदर दोस मटेरियल्स आर यूजफुल और नॉट, अप्रोप्रिएट और नॉट एज पर लर्निंग आउटकम्स, और जब वो वैलिडेट करते थे वो, तो वो पब्लिक ओपिनियन उसमें चला जाता था। तो ये काम हुआ। दूसरा, इसके बाद जब ऑफलाइन की बात आई, तो ऑलरेडी हमारे स्कूलों में टीचर्स अलग अलग जगह में कुछ ना कुछ कर रहे थे, नए नए तरीके अपना रहे थे, तो हम लोगों ने एक मुमकिन है नाम का वेबिनार किया और उन टीचर्स को हाईलाइट किया, उनके काम को हम लोगों ने बाकी टीचर्स के साथ साझा किया। उस वेबिनार में मुझे याद है लगभग 40,000 लोग जुड़े थे बिल्कुल शॉर्ट नोटिस में, और जब उन्होंने देखा कि हमारे राज्य के ही टीचर्स इतने इनोवेटिव काम कर रहे हैं, तो उन्होंने भी, हमारे प्रमुख सचिव महोदय ने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप लोग अपने बच्चों के लिए काम करना चाहिए, हम कोई ऑर्डर नहीं करेंगे, स्वेच्छा से जो करना चाहे करें। तो उसके आधार पे काफी बड़ी संख्या में टीचर्स आए, और फिर हम लोगों ने एक ये भी वो दिया कि ऑप्शन दिया कि जो जो लोग पढ़ा रहे हैं इस दौरान उनको गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। तो सर्टिफिकेट्स का एक प्रोविजन हम लोगों ने रखा, इतना अच्छा काम जो इतने विषम परिस्थितियों में कर रहे हैं। और इसके अलावा एक जो बहुत महत्वपूर्ण सफलता इसके पीछे थी, हमारे वेबसाइट में यदि आप जाएंगे तो सामने डेली एक हमारे नायक करके आता है, एक हम लोगों ने कॉलम रखा हुआ है, डेली हम एक टीचर और एक बच्चे का, विद्यार्थी का, उसमें स्टोरी लिखते हैं, ब्लॉग लिखते हैं, उसमें जो टीचर इस दौरान अच्छा काम कर रहे हैं उनका कवरेज हम लोग करते हैं। तो काफी बड़ी संख्या में लोग चाहते हैं कि हमारा भी हमारे नायक में आए, तो वो भी एक मोटिवेशन फैक्टर था जिसके कारण काफी लोग इसमें जुड़े। लोग पिछले कई सालों से डीपीपी से लेकर समग्र शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात करते आए, लेकिन यहाँ पर इतना अच्छा हम लोगों को सहयोग मिला, हम लोगों ने बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन देखा। मुख्य रूप से हम लोगों को चाहिए था कि कोई टीचर मिले, क्योंकि हमारा टीचर, हमारे पास लिमिटेड टीचर्स इसके लिए तैयार थे, और यदि वो तैयार थे तो वो पारा पारा में, मतलब एक एक हैबिटेशन में जाके एक एक दो दो घंटा ही पढ़ा सकते थे, तो उनके कैचमेंट एरिया में 5-6 हैबिटेशन होता था बच्चों के लिए। तो हम लोग हर हैबिटेशन में ये चाहते थे कि कम्युनिटी का एक वॉलंटियर मिले, तो एक शिक्षा सारथी का हम लोगों ने वो किया। तो कम्युनिटी का सपोर्ट एक तो टीचर के रूप में मिला, शिक्षा सारथी के रूप में, दूसरा चूंकि स्कूल बंद थे उनको स्पेस चाहिए था कहाँ पढ़ाए, तो लोकेलिटी, कई सारे जैसे समाज होते हैं अलग अलग कम्युनिटी के, उनके बिल्डिंग मिले, बहुत जगह में मंदिर या रिलीजियस प्लेस हमको मिले जहाँ पर उनके खुले बरामदे में बच्चों को पढ़ाने का काम हुआ। 22 साल लोग जो वापिस आए, रिवर्स माइग्रेशन हुआ, उसके बाद लोग अब जा नहीं रहे, वो लोग अपने घर में ही रहना चाहते हैं। तो इन स्थिति को भागते हुए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सबसे पहला काम ये किया कि उन लोग जब बाहर से पैदल या अलग अलग संसाधनों से वापस आए, तो ज्यादातर स्कूलों को हमने वो क्वारंटाइन सेंटर बनाया हुआ था, तो गांव में उन लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में 12 से 14 दिन रहना था। तो उस दौरान हम लोगों ने स्कूल टीचर्स को कहा कि वो रजिस्टर मेंटेन करें, 6 से 14 के जितने भी बच्चे हैं उनका नाम लिखें, और उसके बाद उनसे 2-3 चीजें पूछे कि क्या वे नॉर्मल स्थिति होने के बाद वापिस जाएंगे या यहीं पढ़ना चाहेंगे, और यहीं पढ़ना चाहेंगे तो कौन से गांव में कहां पर पढ़ना चाहेंगे। वो डिटेल देने के बाद हम लोगों ने संबंधित स्कूल को निर्देशित किया कि इतने बच्चे बाहर से आए हैं, इनको आपको एडमिशन लेना है, और एक ऑफिशियल लेटर भी सबको जारी हुआ कि कोई भी सर्टिफिकेट या मार्कशीट की कोई डॉक्यूमेंट की डिमांड न करे, ऐसे बच्चे जो रिवर्स माइग्रेशन से आए हैं सबको तुरंत एडमिशन दे। जिस प्रकार से अरविंदो सोसाइटी काम कर रही है वो कमेंडेबल है, और मैं आप सभी का काफी बहुत तहे दिल से आभारी हूँ। और अभी जो मैंने अभी नया सुना है कि डिस्ट्रिक्ट में भी एक क्वेश्चेंट वाला काम होने वाला है कि कौन सा जिला कितना नवाचार कर रहा है, कितना परसेंटेज कर रहा है, तो मुझे लगता है उससे काफी तेजी आएगी। अभी तक तो टीचर्स ही कर रहे थे, अब जिले स्तर के अधिकारियों में भी जोश आएगा कि मेरे जिले का परसेंटेज कितना है, तो मैं इस चीज को और आगे बढ़ाऊं।